हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेकअपल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 9 बजे से और हम जा रहे हैं बाहर मार्केट, काम भी था हमें तो हम जा रहे हैं बाहर और आपको बाहर ही मिलते हैं। गर्मी लग रही है, पसीने हो रही है कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं। चल रही, हम चलते हैं। हमारा हेलमेट लग गया और तारिक मास्क जगा कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है क्योंकि भूल गया दोबारा से हो गया ना। यहाँ बहुत डॉगी बादशाह मेहरबान कौन है, क्या ऊंचे शान है, उसकी सब निशान है, सब दिलों की जान है। सो वी आर हेयर एट पुपिया सास होम। सो यहाँ पे हम लोग आए थे इनके त्योहारी देने के लिए और इनका एक बकरा है यहाँ पे पला हुआ है और माशाल्लाह से इतना अच्छा है, 150 kg प्लस है ये, और मतलब ये ख़ुद उठ भी नहीं पा रहा था और इसमें वीडियो में आपको लग नहीं रहा होगा बट रियलिटी में बहुत बड़ा लग रहा था। सीरियसली बहुत ही प्यारा बकरा था ये। तो खैर, हम लोग यहाँ पर आए थे त्योहारी देने के लिए और आप आगे वीडियो इन्जॉय करें। तो जी, हम लोग आ चुके हैं घर और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और टाइम कुछ ज़्यादा ही ओवर हो चुका है, इतना ज़्यादा ओवर हो गया है टाइम। और हम लोग असल में चले गए थे तालिब के चाचा के घर पे, वहाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वहाँ जाना था हमें, तो हम वहाँ चले गए थे बाद में। और पहले हम गए थे तो आपने देखा ही कहाँ गए थे हम, पहले हम तालिब के घर चले गए थे, उनकी त्योहारी वगैरह देनी थी तो इस वजह से हम वहाँ भी चले गए, पहले वहाँ गए फिर वहाँ चले गए। तो खैर, कोई वहाँ तो कोई शूट करने का मतलब ही नहीं था ना, कोई मैंने ऐसा कोई शूट करा वहाँ पे जाके, बस ये कि सबके साथ बैठे हुए थे और वो आने भी नहीं दे रहे, तो ये नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, इस वजह से इतना लेट हो गया। और बस अब सहरी का टाइम हो चुका है, बस अब मैं जाके रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी और सहरी करेंगे हम लोग। तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो को एंड कर देते हैं। रही बात कमेंट्स की, थोड़े से कमेंट्स रीड कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया कमेंट्स रीड करे हुए, तो मैं सोचूं कमेंट्स रीड कर ही लेते हैं आज। हाँ अल्लाह, मैं थक गई तो बस अब जल्दी से कमेंट्स, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ, मैं फ़ोन लेकर आना भूल गई, फ़ोन लेकर आती हूँ कमेंट्स रीड कर। तो जी, मैं फ़ोन ले आई हूँ, हमदान ने फ़ोन दे दिया है ना, हमदान ने फ़ोन दे दिया। एक्चुअली जो ये फ़ोन है मेरा पुराना वाला फ़ोन है और ये मैंने हमदान कार्टून्स वगैरह या गेम्स वगैरह खेल लेते हैं इसमें, है ना, इसलिए मैंने हमदान से कहा प्लीज़ हमदान दे दो, तो हमदान ने दे दिया तो जी, मैं लेटेस्ट कमेंट्स पढ़ लेती हूँ जो मैंने आज वीडियो अपलोड करी है उसके कमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। और जो रिसेंटली जो कमेंट आया है, एक सेकेंड में पढ़ लो, कमेंट आया है वो है जकरिया दानिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपने अपना सूट कहाँ से लिया, बहुत प्यारा है, प्लीज़ सूट की डिटेल दे दीजिए, माशाल्लाह यू लुकिंग ऑसम, थैंक यू। एक्चुअली ये जो मेरा दानिश जो मेरा सूट है ये मैंने अपनी फ्रेंड से मंगाया था, ये पाकिस्तानी सूट है तो ये पाकिस्तान से ही मंगाया था मैंने ये वाला सूट। और
नेक्स्ट एक सेकंड बेटा, नहीं नहीं पीने अभी नहीं। नेक्स्ट है अलवीना खान, माशाल्लाह विदाउट लिपस्टिक भी बहुत बढ़िया लग रही थी। थैंक यू सो मच। तो जी फिर है हिबा आपकी, आप टू कॉपी अपनी मम्मी में मिल रही हैं आज, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप, माशाल्लाह नज़र न लगे। फ्रॉम अनम, थैंक यू सो मच अनम, थैंक यू सो मच। फिर है अन्ना खान, ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़े में मेकअप नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप सबको पता है कि रोज़े में मेकअप नहीं करती, बहुत प्यारी लग रही हैं आप ही, थैंक यू सो मच। एक ने कमेंट करा कि आपने रोज़े मेकअप कर रखा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़े में मेकअप नहीं कर सकते, रोज़े में मेकअप कर सकते हैं। तो जी मैंने यही सोचा है कि मैं कुछ सिलेक्टिव ही कमेंट्स पढ़ूंगी। जी अच्छा, मैंने यही सोचा कि कुछ सिलेक्टिव ही कमेंट्स पढ़ूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, फिर मूड ख़राब होता है। सच अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ो, मूड अच्छा रखो। एक ने कमेंट किया कि किसका घर है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो ये जो घर जिस पे आपने कमेंट करा है, शहरी वाली वीडियो पे करा है, तो ये जो घर है ये मेरे चाची सास का घर है। तो आपने पूछा किसका घर है, तो उनका घर है। माशाल्लाह आप कितनी प्यारी लग रही हो, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह वेल मेड शहरी सुपर्ब। ओजेड डेली ब्लॉग्स, थैंक यू ओजेड डेली ब्लॉग। तो जी फिर है अलवीना खान, छीनी बटनी चाहिए, जिस दिन फैज़ बोलेंगे दिल खोल के ब्लॉग में, आई एम वेटिंग। तो जी ज़रूर, जब फैज़ दिल खोल के बोलने वाले हैं तो छीनी बांटने वाली हूँ मैं ज़रूर। ये आपकी सास का होम है, आपकी सास बहुत प्यार करती हैं। जी जी मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती हैं। कितना खूबसूरत घर है। शीना फहद, इसमें तो मेरी फ्रेंड है इल्मा, ये आपकी कौन है? तो इल्मा जो है सना की बहन है और सना मेरी कज़न देवरानी है। तो जी जो मैंने अपनी जो एक ब्लॉग में एक का कमेंट पढ़ा था और उसका जवाब दिया था और बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आया था, तो उस पर भी मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करा और मतलब इतने सारे कमेंट्स आए उसके ऊपर, आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट भी करा सीरियसली कि बस मैं क्या बताऊँ। तो मैं उनके ही कमेंट्स कुछ पढ़ लेती हूँ लोगों के। पहले है कंजा सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हिबा, आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम टिकटॉक, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग वेरी वेल एंड डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट दीज पीपल बिकॉज दे विल आस्क डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन एवरी डे, सो बेटर इग्नोर देम, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दुबई। थैंक यू सो मच कंजा। और मैं अब यही करने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट मोहम्मद ज़ियान, अवॉइड करेंगे कमेंट्स को, अब आपकी लाइफ है आपकी मर्जी। जी मेरी लाइफ मेरी मर्जी से, मैं अवॉइड ही कर रही हूँ ऐप कमेंट्स को। मैं उनका जवाब भी आया मेरे कमेंट में, बट मैं उसका भी कोई जवाब नहीं देने वाली। डेली ब्लॉग आपने सही जवाब दिया सामिया को, उसको क्या लेना किसी पर्सनल लाइफ में घुसने का, आई हेट दोज पीपल रियली। तलहा खान मैम, हमें आपके ब्लॉग बहुत टाइम से देख रहे हैं, आपकी जब से वेडिंग हुई थी तब थी ना, तब से हमें आपकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी वन कमेंट प्लीज़। थैंक यू सो मच तलहा खान, और थैंक यू आप मेरे सारे ब्लॉग्स देख रहे हो टाइम से, सब कुछ अच्छा। मैम आप गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगते, आप हमेशा खुश रहा करो मैम। थैंक यू तलहा, थैंक यू अब नहीं करूँगी गुस्सा। शरीन राहिल Would you love to know about your relation with your in-laws before marriage? Means they are, you're from Naniyal side or Dadiyal side? So they are from my Dadiyal side, Naniyal side ke nahi, Dadiyal side ke hai mere relation jo hai, kafi dur ka nahi hai, second cousin hai to jo aur detail mein hai wo main fir kabhi kisi waqt bataungi। बाकी आप लोगों के कमेंट्स हैं कि आप लोग इग्नोर करा करें ऐसे लोगों को, ऐसे कमेंट्स को, तो मैंने ये सोचा है कि मैं भी इनको इग्नोर ही करूँगी। तो एक ही बाप या फालतू कमेंट्स को इग्नोर करा के और हमारे लिए इसी
इसी ही प्यारी ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो बनाया करिए एंड प्लीज़ रमज़ान के बाद जल्दी जल्दी ब्लॉग डालना डियर फ्रॉम अनम। तो जी मैंने यही सोचा है कि मैं रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह एक्टिव रहूँगी, नॉट रोज़ तो नहीं रहूँगी बट एक्टिव रहूँगी। टायर नहीं होना, आदत इतनी हो गई वीडियोज़ बनाने की मेरी, दो दिन लेट चल रही वीडियोज़ और काफ़ी ज़्यादा, जितना ईद का टाइम पास आ रहा है उतना ही मैं ज़्यादा बिजी हो ही जा रही हूँ, इस वजह से मैं वीडियोस भी टाइम पे नहीं डाल पा रही हूँ। एक दिन नेट नहीं चल रहा था इस वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मेरी दो दिन डिले हो रही हैं वीडियोस। दूजी लेटेस्ट कमेंट्स कुछ यही थे मेरे, और जब कमेंट्स होंगे तो मैं और रीड कर लूँगी। लुक भी मुझको क्रिएट करना है, होप सो कल परसों जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर ईद का ट्यूटोरियल भी, ईद लुक का ट्यूटोरियल भी मुझे शूट करना है। और मैंने अभी तक इफ्तार पार्टी लुक भी नहीं करा अभी तक, मतलब मैंने शूट कर रखा है बट वो भी मुझे डालना है, और मेरे दो तीन ब्लॉग्स पेंडिंग में चल रहे हैं वो भी मुझे जल्दी जल्दी करके डालना है। इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी करके डालूँगी और सारे ब्लॉग्स ईद से पहले सारे ब्लॉग्स डल ही जाएंगे, और ईद तक ईद पे ईद का ही व्लॉग आएगा, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह सारे अच्छे अच्छे रेगुलर व्लॉग्स रहेंगे। और जी अब टाइम ओवर हो रहा है, 3 बज रहे हैं, मुझे जल्दी से जाके रोटी बनानी है और फटाफट सहरी का इंतज़ाम करना है, और ये व्लॉग मैं आज यहाँ पे मैं सहरी में एंड कर रही हूँ। और कुछ फ़िलहाल तो मैं शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, सिर्फ रोटी बनानी है, खाना वाना तो सब कुछ बना हुआ है, मैं सब जल्दी से जाके मैं रोटी वगैरह बना के सहरी करेंगे। फिर मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कमेंट्स करिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा, बाय से बाय। जी अच्छा ओके बाय बाय।